हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जो कि हमारा ये है पेपर 2020 का। तो आइए चलिए देखते हैं कि 2020 का पेपर किस तरीके से पूछा गया था, क्वेश्चन किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर खोलने से पहले आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न निर्देश दिए रहते हैं, ऊपर आपको यहाँ पर नाम और सिग्नेचर डालने रहते हैं, और यहाँ पे आपको निर्देश दिए रहते हैं जिन्हें आपको पढ़ना रहता है। मतलब इसमें यही बताया जाता है कि कौन सा मतलब क्वेश्चन कितने नंबर का है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। एक क्वेश्चन पे 4 नंबर आपको मिलेगा, अगर आप एक गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। अर्थात करने पर कि अगर आप एक गलत करते हैं तो आपके सही वाले नंबर में से 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो आप सब इसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि इसमें किस प्रकार से कैसे मतलब पूछा जा रहा है, किस क्या प्रयोग करना है क्या नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा में आप कैलकुलेटर जो भी मतलब मोबाइल इन सभी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे उमा सीट भरने के बारे में बताया गया, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि जो पहली बार उमा सीट भरते हैं उन्हें पता नहीं रहता है कि कैसे इसे भरना रहता है या क्या करना रहता है। तो यहाँ पे उसके निर्देश लिखे गए हैं कि आपको किस प्रकार से उसे भरना है। यहाँ पे देखिए, सही तरीका ये है और गलत तरीका ये, मतलब आप ऐसे भरते हैं तो आपके जो नंबर हैं वो आपको नंबर यहाँ पर नहीं मिलेंगे। सही तरीका भरने का यही है कि पूरे गोले को आप भरिए, और इसका मतलब इसमें बाल पेन का प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी पेन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो बाल पेन होता है वो थोड़ा मोटा होता है, इसलिए वो जल्दी से आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे लिखा है पहले ही नंबर में कि आपको बाल पेन से भरें ये सभी। आपको देखिए यहाँ पे समय भी ऊपर लिखा है, 3 घंटे का पेपर होता है, 400 नंबर के पेपर हैं, कुल 100 क्वेश्चन है, तो 100 एक क्वेश्चन 4 नंबर का आया था, 400 नंबर हुए और गलत होने पे 1 नंबर आपके काट लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा था। सबसे पहले ये हमारा फिजिक्स है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स को होते हैं और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होता है यहाँ पे। और नीचे देखिए यहाँ पे रफ कार्य के लिए भी आपको दिया जाता है कि आप मतलब आपको अगर रफ कार्य करना है तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, अलग से आपके कोई भी मतलब पेज नहीं दी जाती है। इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो मतलब न्यूमेरिकल और थ्योरिकल दोनों फॉर्म में मतलब पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल भी यहाँ पे 10-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना रहता है, और ये सब फार्मूला बेस्ड होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। वैसे आपको वहाँ पे बोलेंगे टीचर कि मतलब आप इस जो क्वेश्चन पेपर है इस पे पेन का प्रयोग ना करें, पेंसिल से सॉल्व करें, तो आप कोई भी मतलब प्रयोग कर भी सकते हैं और पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्वेंटी 2 नंबर के क्वेश्चन, ये हमारे टोटल यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा फिजिक्स से था। अब अगला हमारा स्टार्ट होगा केमिस्ट्री। फिजिक्स हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, क्योंकि जिनका पेपर था वो इसी पे सॉल्व कर लिए हैं। केमिस्ट्री में भी आपको मतलब ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मतलब इसमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44, और हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है केमिस्ट्री। अब इसके बाद स्टार्ट होगा फिजिक्स, जो कि मैथ, जो कि हमारा 50 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से 25-25 आते हैं, और 50 जो क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल मैथ से आते हैं। देखिए यहाँ ऊपर लिखा भी है गणित सेक्शन सेकेंड है ये पार्ट।
रफ कार्य के लिए आपको नीचे मतलब जगह दी रहती है, तो मैथ में थोड़ा ज़्यादा ही कैलकुलेशन होता है, इसलिए सब मतलब अगल बगल कहीं भी क्वेश्चन की कर सकती हैं आप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है। आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को मतलब कीजिए जो क्वेश्चन आपको आता है, क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चन भी करते हैं तो आपके नंबर सही वाले में से भी काट लिए जाते हैं, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 ही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन 10ों ये सही होनी चाहिए, क्योंकि आप 70, 80 या 100 करके क्या फ़ायदा होगा जब उसमें से आपका 50 गलत ही निकल जाए, तो वैसे भी आपके मार्क्स कम ही आएंगे। तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है या हम मैं इसे कर सकती हूँ, क्योंकि तुक्का इसमें लगाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। जिनका तुक्का सही होता है वो लगा सकते हैं, और जिनका नहीं सही होता है मतलब तुक्का भी कैसे लगता है कि जो पढ़े लिखे रहते जो सर जानते हैं वही ही तुक्का लगा सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के सभी एक पेज पर मतलब उसके 3-4 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़े ही होंगे ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको पता होगा कि इसका मतलब कैसे सॉल्व करते हैं क्या है। ये पेपर 10th और 12th दोनों के मतलब 10th 12th दोनों भरने या पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन हार्ड या 12th का क्वेश्चन था, तो ऐसा है होता नहीं, मतलब 1-2 क्वेश्चन होता है कि जो मतलब 11th के बेस पर डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन, ये विक्रय मूल्य या इन सभी क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आप 8th 12th में ही पढ़ेंगे कैसे हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से प्राइस और कास्ट प्राइस ज्ञात करते हैं। और यहाँ पे SI CI से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अब मतलब NCERT से हट चुके हैं, कराधान से शायद ये रिलेटेड क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन मतलब आपके पेपर में अब नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर को ही हटा दिया गया है। अगर आपको पता है कि पॉलिटेक्निक मतलब बुक लिए होंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कौन से चैप्टर मतलब कौन से चैप्टर इसमें आते हैं कौन सा नहीं। तो यहाँ पे कुल हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि हमारे मैथ से रिलेटेड थे, फिजिक्स केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन थे। आप सब इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। ऐसे ही कई पेपर हम रिवियस ईयर के 2020-22 इन सभी के पेपर हम एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।